अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्यसाहूणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संहिं प्रकाशनाम देयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता रे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम्। आचार्य श्री कुंदकुंदनामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है और सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। बड़ा सुंदर प्रकरण यहाँ चल रहा था कर्मों की अवस्थाओं के बारे में। बहुत सारे लोगों के लिए नया प्रकरण है, समझने जैसा प्रकरण है, बड़ा अद्भुत भी है। कभी एक स्पेशल शिविर इन सब चीज़ों के बारे में लगे ना तो खूब घुटाई हो। वैसे हम भी यहाँ कम बातें नहीं बतला रहे हैं, लगभग उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे तो हम आपके सामने बता ही रहे हैं। देखिए, एक तो चर्चा सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए की जाए, और एक दूसरा यह है कि वो चर्चा थोड़ी बहुत कर ली और करते हुए आगे बढ़ गए, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क तो है ही। देखिए, यहाँ जो प्रकरण चल रहे हैं इन्हीं प्रकरणों में पेज नंबर 113 से हमारे को चर्चा थोड़ी सी आगे चलानी है। कल तक हम यहाँ बंध नामक करण की थोड़ी बहुत चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। बंध नामक करण, करण माने अवस्था। किसकी अवस्था की बात चल रही है? तो कहा था कर्म की अवस्था की बात चल रही है। ये जो प्रकरण है ये कर्मों की अवस्था वाला प्रकरण है। बंध, हर आत्मा के साथ में बंधन है, संसारियों के, माने संसार में जितने भी जीव रहते हैं उन सभी जीवों के कर्म का बंधन है, हमारे आपके सबके। आपको जो प्राणी दिखाई देते हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है, कबूतर दिखाई दे रहे हैं, चील कौवे दिखाई दे रहे हैं, मेंढक दिखाई दे रहे हैं, मगरमच्छ दिखते हैं, जो दिखते हैं सबके कर्म का बंधन है, माने वो है बंध करण। और बंध होता है चार प्रकार का, एक होता है प्रकृति बंध, एक प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। प्रकृति स्वभाव है, प्रदेश उनके परमाणुओं की संख्या है बंधने वालों की, स्थिति उनका टाइम पीरियड है और अनुभाग उनका फल है। ये बहुत शॉर्ट में मैंने बात कही आपसे। और जो भी कर्म बंधते हैं ये सब कर्म एक समय प्रबद्ध की संख्या में हमारे साथ में आकर के बंधते हैं, माने समय प्रबद्ध कर्म ही बंधते हैं और समय प्रबद्ध कर्म ही निर्जरा को प्राप्त होते हैं, माने इतने का ही फल मिलता है। जीवन भर सात कर्मों का बंधन
होता रहता है और उदय पूरे जीवन पर्यंत आठों ही कर्मों का आते रहता है। इसका मतलब पूरी लाइफ में सात कर्म बंधेंगे और आठ कर्म फल देंगे। तो एक जो कर्म है जो एक्स्ट्रा यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार बंधता है, जिसका नाम है आयु कर्म, और फल उसका जीवन पर्यंत मिलता है। अकेले आयु की ही बात नहीं है, वास्तव में तो वस्तु स्थिति यही है, प्रत्येक कर्म की यही पोजीशन है। बंधता है थोड़े समय के लिए, थोड़े समय, और फल मिलता है बहुत लंबे समय के लिए। हमारे अभय कुमार जी पंडित जी साहब देवलाली वाले, वो एक वाक्य कभी कभी इस संदर्भ में कहा करते हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। क्या क्या ये बड़ा ऐसा वाक्य है कि अभी इसका जितना विस्तार करना हो उतना विस्तार किया जा सकता है। खता माने गलती, माने अपराध, क्षण मात्र का अपराध, क्षण भर का, ऐसी कहानी है। जैसे किसी व्यक्ति ने जीवन के किसी एक क्षण पर कहीं चोरी की, तो वो जीवन भर लोग उसे चोर चोर चोर, अरे ये तो चोर है, ये तो चोर है, चोरी कह कर के पुकारते हैं। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी एक बार किसी की हत्या कर दी हो, अब वो हत्या करने वाला जो क्षण था, हत्या करने वाली जो पर्याय थी, या हत्या करने का जो काल था, जो घटना चक्र था, वो कितनी देर का था, तो हकीकत तो यही है कि वो तो सेकंडों का काम था। और लेकिन जीवन भर के लिए उसको सजा मिली ना, लोग उसे हत्यारा कह करके पुकार रहे हैं। या फिर ऐसा समझ लीजिए आप, बदनामी या वो सब बातें तो ठीक है, वो तो होती ही है, लौकिक बातें हो गई। यहाँ तो हम जैसे मजिस्ट्रेट ने उसे सजा सुनाई, तो जो सजा सुनाई वो ऐसा है क्या कि भैया तुमने चोरी करने में तुम्हारे को करीब करीब आधा एक घंटा लगा होगा, तुम कितने बजे उस मकान में एंट्री की थी तुमने, और जब निकले थे उसके बाद में हमने टाइम देखा तो तुमने डेढ़ घंटे तक ये अंदर अपनी पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो यदि वो ये अपराधी ये कहे कि माय लॉर्ड, हे प्रभु, हे भगवान, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि यदि मैंने डेढ़ घंटे तक अपराध किया है तो मुझे सिर्फ डेढ़ घंटे की ही सज़ा मिलनी चाहिए। क्या बोलो, क्या क्या करना है, क्या क्या कहना है आपको? डेढ़ घंटे यदि उसकी आपराधिक गतिविधि में समय लगा है, डेढ़ घंटे का समय, तो उस डेढ़ घंटे की सज़ा क्या डेढ़ घंटे ही मिलेगी? कि नहीं भाई साहब, आपको 3 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई जाती है। तो साहब, मैंने अपराध तो सिर्फ 1-1.5 घंटे ही किया था, और आप मेरे को सज़ा दे रहे हो 1.5-2 घंटे, 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये तो ठीक नहीं लग रही है बात। बोले, जैसी व्यवस्था आपके यहाँ कोर्ट में होती है, कृत्रिम कोर्ट में होती है, ठीक उसी तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ अकृत्रिम व्यवस्था में भी होती है। बंधता है कर्म एक समय और उसका फल मिलता है बहुत लंबे टाइम तक, ऐसा ही स्वरूप है। क्या माने, ये बड़ा विचित्र है ये स्थिति। अब इसमें क्या कहा जा सकता है, माने 5 मिनट तक आपने पाप किया और बोले कूड़ा कूड़ी सागरों तक आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक आपको उसका भुगतना पड़ेगा फल। 100 रुपये की चोरी की और 1,00,000 रुपये का दंड दिया उसको, ये गजब हो गई भाई साहब। ये एडवोकेट साहब कह रहे हैं हमारे, 100 रुपये की चोरी की किसी ने तो उसको सजा में क्या 100 ही रुपया लिया जाएगा क्या उससे, कि भैया चोरी तो मैंने 100 ही रुपये की की थी तो सज़ा क्या मिलेगी 100 ही रुपये की? अरे नहीं बेटा, 100 100 कैसे मिलेगी, 100 के अपराध में यदि 100 की सज़ा मिलेगी तो फिर दोबारा करेगा तू। और फिर दुनिया में तो ये भी तो प्रसिद्ध है कि जो पकड़ा गया सो चोर, क्या
जो नहीं पकड़ा गया वो चोरी नहीं है। जगत में तो यह भी चलता है, इसलिए सब अलग अलग तरह की बातें हैं। यहाँ बंद करण में ये बतलाया गया कि ये जीव जिस तरह का कर्म का बंद करता है, जैसा ये परिणाम करता है, उसी तरह का तीव्र बंद हो जाता है, या फिर परिणाम सरल थे तो मंद बंद हो जाता है। परिणाम जैसे होंगे उसी तरह का बंद होता है, ये बात यहाँ बंद करण के अंतर्गत हमने देखी थी। फिर हमने चर्चा की आपके बीच में उत्कर्षण के बारे में। यहाँ उत्कर्षण, उत्कर्षण माने बढ़ जाना, उत्कर्षण माने धीरे 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 करके बात बढ़ जाना। देखिए मैं ऐसा कहता हूँ, कभी कभी चर्चा विचारता हूँ इसके बारे में, तो बात छोटी सी होती है और बढ़ती 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 बहुत बढ़ जाती है, ये है उत्कर्षण। इतनी बात कैसे बढ़ गई, इतनी बात कैसे बढ़ गई, क्या? कभी कभी तो ऐसा भी होता है घर गृहस्थी के झगड़ों में, यदि आप उसके मूल में जाने का प्रयत्न करो तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, और चुहिया भी नहीं, क्या? बिल्कुल यही स्थिति है घर गृहस्थी के मैटर में, परिवार में, दोस्तों के बीच में, मनमुटाव में, लड़ाई झगड़ों में, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उत्कर्षण हो जाता है उसका, वो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। सड़क पर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ में, मैंने चलते चलते ही ऐसे हाथ टच हो गया, टक्कर लग गई, अब इसके टक्कर लगी हल्की सी, उसने सामने वाले ने गाली दे दी, क्या? अब आप देखना कैसे उत्कर्षण हो रहा है, मैटर कुछ भी नहीं है, सॉरी कह करके मैटर ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं था यार उसमें, क्या था? उसने गाली दे दी, इसने भी दो शब्द सुना दिए, फिर उसने कुछ कह दिया, फिर इसने मार दिया, फिर उसने उसका गला पकड़ लिया, फिर उसने उसको धक्का मार करके गिरा दिया, फिर दो लोग उसको छुड़ाने के लिए आ गए, फिर ये उसने उसकी गाड़ी को ठोक दिया, उसने उठा करके ये, अब ये क्या हो गया, सोचो तो सही आप, क्या था, क्या हुआ ये सब? बोले मैटर कुछ भी नहीं था। हमारे बड़े दादा एक प्रसंग सुनाया करते थे, सूत ने कपास जुलाहों में लठा लठी, क्या? वो बड़ा उनके उस कहावत के पीछे उनकी वो कहानी भी है, उनकी किसी पुस्तक के अंदर प्रकाशित भी हुई होगी। कुछ नहीं है जी, मैटर कुछ नहीं है, और खाम खामे लठ चल गए हैं, खाम खामे झगड़े हो गए हैं, बस ये इसी तरह की परिस्थिति उत्कर्षण के माध्यम से बनती है। मैंने ये उत्कर्षण की परिस्थिति पाप रूप घटना के लिए आपको बतलाई है, इसी तरह का उत्कर्षण पुण्य प्रकृतियों में भी हो जाता है। यहाँ बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे करके उस उत्कर्षण को समझा रहे हैं। देखिए उत्कर्षण क्या होता है, उत्कर्षण शब्द का अर्थ है बंधे हुए कर्म की, जो कर्म पहले का बंधा हुआ है उस पहले के बंधे हुए कर्म की स्थिति और अनुभाग, स्थिति टाइम पीरियड और अनुभाग माने पावर, ये बढ़ जाना। क्या पहले का बंधा हुआ कर्म था? देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ ये उदाहरण से समझा रहे हैं ना, माने जिंदगियाँ बदल जाए भाई साहब, ऐसा है दिनेश सिंह जी साहब, जिंदगियाँ बदल जाए लोगों की, मतलब सोच बदल जाए, घर गृहस्थी में परिवारों में ऐसे शांति का वातावरण छा जाए, ये ऐसी बातें हैं। आपने कुछ कहा, क्या समझो किसी बच्चे ने पलट करके कुछ सामने जवाब दे दिया, पिताजी ने डांट दिया, अब बच्चा कहता है क्यों डांट रहे हो मुझे, इतना सही तो कहा था, अब ये और तेज़ी से बोला, अब ये और तेज़ी से बोला, अब वो और तेज़ी से बोले, फिर ये और भड़क गया, इतनी सी बात के अंदर क्या हो गया, अब फिर वो और थोड़ा, बच्चे ने 10 रुपये उठा करके फेंक दिए, क्या 10 रुपये उठा करके, भाई क्या क्या फ़र्क पड़ता है 10 रुपये में, उन्होंने कहा समझता है 10 रुपये करोड़पति बाप, सोचो आप, अब लेकिन बच्चे को तो पैसे की कीमत समझानी है ना, वो उसकी कीमत ही नहीं समझता है कुछ भी, इतने से मैटर में झगड़ा हो गया, बात थोड़ी और बढ़ गई, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा ही तो है, आपका थोड़ी ने, इकलौता बेटा हूँ मैं, चाहूँ जो करूँगा, अब वो उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, और आपस में तू तू मैं, और पिताजी ने जमाए खींच के दो धर दिए उसके गाल पर, कान के नीचे लगाए,
अब वो रोने लग गया और सारे घर को माथे पे उठा लिया उसने और ऐसा ऐसा। फिर जब बात खुली तो क्या आएगी सामने, किस बात का मैटर था, बोलो अब दुनिया क्या कहेगी, क्या मैटर था। तो क्या बात थी कि 10 रुपये का मैटर था। अरे यार तुम्हें शर्म नहीं आती, 10 रुपये के चक्कर में करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हो, 10 रुपये के चक्कर में। सवाल 10 रुपये का नहीं है, आप समझ रहे हैं क्या, सवाल 10 रुपये का नहीं है, सवाल उसके उत्कर्षण का है। आप समझ रहे हैं क्या, मैंने 10 रुपये का यदि मैटर हो तो 10 रुपये क्या मायना रखते हैं बेटा, तेरे लिए हजारों लाखों खर्च करने को तैयार हूँ, तू बोल तो सही कितने पैसे चाहिए तुझे, लेकिन ये ठीक नहीं है ये जो तूने किया है। मैं मजे में आकर के 10 का नोट फाड़ दिया बच्चे ने, तो क्या कर रहा है तू, तेरे को समझ में आ रही है तेरे को पैसा कैसे कमाया जाता है और क्या होता, बातें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये जो जितना भी झमेला हुआ और पूरे घर में जो तूफान मच गया, फिर दादा दादी आ गए, फिर उन्होंने समझाया और फिर पिताजी को समझाया कि यार तू इतनी सी बात के अंदर बच्चे के ऊपर नहीं, ये 10 रुपये के चक्कर में चांटा मार दिया, ये तो मारपीट तो ठीक नहीं है, ये बात तो प्यार से भी समझाया जा सकता था। अब कौन समझाए कि मैंने बात तो शुरू में प्यार से ही समझाना शुरू किया था, लेकिन वो बात का उत्कर्षण होता चला गया और परिस्थितियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप देखिए जितने घरों में घर टूटते हैं, भाइयों भाइयों में जितने झगड़े होते हैं, सड़क पर जितने झगड़े होते हैं, दुनिया भर में जितनी हत्याएं होती हैं, जितने जगह पर तलाक होते हैं, घर टूट जाते हैं, आप हर जगह पर यदि इन सब बातों को देखेंगे तो आप बहुत प्रैक्टिकल फील करेंगे। क्या इतना प्रैक्टिकल फील करेंगे, कुछ भी नहीं है क्या आप में, यदि रिमूव करने की पावर नहीं है तो आप झगड़े को बढ़ाते चले जाएंगे। अपने को ये कोशिश करनी पड़ेगी, अपने को अपने आप में एक इरेजर डेवलप करना पड़ेगा। सचिन लोहड़िया जी अपने को बहुत इरेजर कहते हैं मिटाने के लिए, रबड़ क्या जिससे मिटाया जाता है, धो दो हाथों हाथ, गंदगी है तुरंत धो दो, लेकर के मत बैठो, उछालो मत, कीचड़ मत उछालो, जिसे अपन कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। ये जो बात कहते हैं ना अपन, गड़े मुर्दे उखाड़ना, यदि ज़मीन में मुर्दे गड़े हुए हैं आप यदि उन्हें उखाड़ेंगे, इस कहावत का अर्थ क्या है, आप यदि उन चीज़ों को उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को कुरेदेंगे, तो फिर वो मुर्दा तो सड़ता हुआ ही नज़र आएगा ना। कोई मुर्दा 6 महीने पहले गाढ़ा था ज़मीन में, 3 महीने पहले गाढ़ा था, और उसे यदि गड़े हुए मुर्दे को दोबारा यदि उखाड़ दिया गया है तो वहाँ क्या बदबू नहीं आएगी, वो लाश सड़ नहीं रही होगी। तो इसी तरह से जो ये कहावत चलती है, पुरानी बातों को वापस निकालने का नाम है गड़े मुर्दे उखाड़ना। वो सड़ेगा, वो झगड़ा होगा, विवाद की परिस्थिति बनेगी, तो तुरंत क्या करें, ये उत्कर्षण को रोकने के लिए प्रेजेंट परिणाम काम आएंगे। क्या अशुभ चीज़ों में उत्कर्षण नहीं हो जाए, ये करता है ऐसा, हाँ मैंने क्या अच्छा किया, हाँ कर दिया तो कर दिया कोई बात नहीं। अब देखो जैसे कहते हैं ना अपन जगत में इस तरह की एक कहावत चलती है, चोरी और सीना जोरी, ये भी तो कहावत सुनी होगी आपने, चोरी और सीना जोरी, इसका मतलब क्या है, चोरी और सीना जोरी का मतलब ये पहले तो गलती कर रहा है फिर ऊपर से दादागिरी और मचा रहा है क्या। वही बात यहाँ समझा रहे हैं, भावार्थ पढ़िए जरा, 113 नंबर पेज पर उत्कर्षण का भावार्थ देखिए जरा क्या कह रहे हैं। जिस समय किसी पाप कर्म को किया था, क्या कह रहे हैं, जिस समय किसी पाप कर्म को किया था उससे पाप कर्मों को बांधा था, अब पाप परिणाम किया और पाप कर्म बांधा, क्या पाप कर्म किया था और पाप कर्म को बांधा था, पीछे यदि वह पाप करने, वह मतलब पाप करने वाला व्यक्ति, पीछे यदि वह अपने किए हुए पाप कर्मों की बड़ी आत्म प्रशंसा करता है। अब सुनना, मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ बड़े दादा के शब्दों में, हमारे रतनचंद जी भारिल साहब के शब्दों में, कि भाई तू चौरियानंदी नाम का रौद्र ध्यान कर रहा है क्या,
तो हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान कर रहा है। इन भावों का फल क्या होगा, मैं खूब खोला है बड़े दादा ने। क्या हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये रौद्र ध्यान है। चोरी की और हंस हंस करके सुनाता है, अरे मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था। अब कर क्या रहा है भाई, एक तो पाप किया था, उस पाप के प्रति होना चाहिए था पश्चाताप, उस पाप के प्रति मन में आना चाहिए था खेत खिन्नता का भाव, सो तो आया नहीं, और उस पाप को बढ़ा चढ़ा करके सुना रहा है और ऐसे मूछों पे ताव दे रहा है कि मैं भी वैसा, मैंने भी क्या मजे ले रहा है उसके अंदर। तो ये कह रहे हैं भैया इस मजे की सजा, तो मजा आ रहा है ना, तो मजा की सजा जरूर मिलेगी, ये समझ लेना। पर में मजा कारण बनता है सजा का, ये जनागम ये कहता है, पर में मजा तुझे मिलेगी जरूर सजा। ये बना लीजिए आप दिमाग में, विषयों में मजा, भोगों में मजा, पर पदार्थों में मजा, तुझे मिलेगी जरूर सजा, ऐसा है। तो अपने आप में सुख है, दृष्टि इधर आनी चाहिए। देखिए जिस समय जिस पाप कर्म को किया था उससे पाप कर्मों को बांधा था, पीछे यदि वह अपने किए हुए पाप कर्मों की, अपने ही किए हुए पाप कर्मों की बड़ी आत्म प्रशंसा करता है और अपनी कषाय को बढ़ा लेता है। आत्म प्रशंसा कर रहा है, हाँ हाँ क्या हो गया, अरे तो इतना सही तो किया है, इसमें क्या हो गया। देखो स्वयं भी और दूसरे के द्वारा किए गए अपराध को भी कभी कभी अच्छा मान रहा है, चोरी को अच्छा मान रहा है, पाप को अच्छा मान रहा है, कुशील को अच्छा मान रहा है, व्यभिचार को अच्छा मान रहा है, हिंसा को अच्छा मान रहा है, झूठ बोलने को अच्छा मान रहा है। क्या मैंने पाप कर दिया सो तो कर दिया, लेकिन अब कम से कम पश्चाताप का यदि भाव होगा तो वो आगे के लिए उसमें कुछ कंसेशन मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। क्या अभी आएगी आएगी चर्चा, एक अपकर्षण का पॉइंट इन्होंने चार नंबर पर दिया है, उत्कर्षण के बाद अपकर्षण बनता है वैसे तो ये अपकर्षण हो जाएगा उसमें, लेकिन ये अपकर्षण और उत्कर्षण तो जानता नहीं है, ये तो समझता नहीं है, उत्कर्षण क्या होता है ये तो समझता नहीं है, अपकर्षण क्या होता है ये तो समझता है। अरे ठीक है मजे भाई साहब, ये हिंसानंदी चौर्यानंदी नाम के जो पाप हैं, ये पाप ऐसे पाप हैं जिन्हें रौद्र ध्यान कह करके पुकारा गया है। जब तक वो वस्तु आपके पास में बनी रहती है तब तक उस संबंधी पाप आपके माथे पर चढ़ता रहता है। आप सोचिए जरा, किसी व्यक्ति की एक घड़ी चुराई, बराबर, अब घड़ी चुराई तो चोरी हो गई, बस बात खत्म, अब तो चोरी का पाप लगना था जो लग गया। सुनो, अब इस चोरी में जब जब आनंद मानता रहेगा, ओ वो चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान है, चोरी की थी वो चोरी नाम का पाप था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चोरी नाम का पाप और चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या एक है चोरी नाम का पाप और एक है चोरी नाम का रौद्र ध्यान, क्या फर्क है? बात तो एक जैसी है कि नहीं, बहुत फर्क है। चोरी तो चोरी है, उसमें तो पाप लग गया, अब जो चोरी का जो आनंद है क्या, अच्छा मानना उसको, वो रौद्र ध्यान चल रहा है। जब जब वो घड़ी पहनता है और उसका डायमंड दिखता है तब तक उसके अभिप्राय में बराबर चोरी में आनंद, चौर्यानंदी नाम का पाप, वो पाप चढ़ता चला जा रहा है माथे पर। आप सोचिए जरा क्या स्थिति हो, क्या आनंद मान रहा है। जितने भी ये रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान के चार भेद, ये सब के सब अधोगति के कारण है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से। इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।